साथियों, देश के इतिहास में ये पहली बार देखा गया है कि कोई मुख्यमंत्री हजारों गरीब लोगों को लूटने वालों के पक्ष में दिन दहाड़े धरने पर बैठ जाए। लुटेरों की रक्षा के लिए, बेईमानी करने वालों की रक्षा के लिए, गरीबों को बर्बाद करने वालों की रक्षा करने के लिए, भाइयों बहनों, महात्मा गांधी ने विदेश में रंगभेद के खिलाफ विदेशी लोगों के हक के लिए दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के खिलाफ सत्याग्रह किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विदेश में रहकर लोगों को जोड़ा और मुश्किल में फंसे भारतीयों के लिए आंदोलन किया। आज पश्चिम बंगाल में एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो गरीबों की मेहनत से जुटाई पाई पाई को लूटने वालों के साथ वो खड़ी है। पश्चिम बंगाल की बहन बेटियां, मजदूर कामगार, करोड़ों लोग आज ममता दीदी से सवाल पूछ रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लूट जाने की वजह से प्राण त्याग दिए, उनके परिवार वाले आज ममता दीदी से सवाल पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं चीट फंड घोटाले की जांच से आप इतना क्यों डरी हुई है, क्यों जिन लोगों पर जांच में लापरवाही बरतने का आरोप है उनके लिए धरना दे रही है। साथियों, मैं शारदा, नारदा, रोजवाली की ये ठगी के शिकार हर परिवार को विश्वास दिलाने आया हूं कि चौकीदार इनको छोड़ेगा नहीं। चाहे वो लुटेरा हो या फिर लुटेरों का संरक्षक, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये कितनी भी संख्या में आकर धरना दे दे, कितने भी नेता जुटा ले, गरीबों को लूटने वालों का पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। मैं चीट फंड घोटालों के एक एक पीड़ित को ये विश्वास दिलाने आया हूं कि आपको इस स्थिति में पहुंचाने वालों को कानून के दरवाजे तक पहुंचाया जाएगा। भाइयों और बहनों, आज कोलकाता को भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों को उनके लिए मंच बना दिया गया है। मैं कोलकाता में मंच बनाकर मोदी मोदी बोलने वाले हर उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों को कवर देने के लिए आप कहां कहां धरना देंगे। साथियों, आज हर व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति को मोदी से कष्ट है जो पूरी तरह से भ्रष्ट है। हम गरीब को लूटने वाले, देश की सेना को दुख दिलाने वाले राजदारों को विदेशों से उठाकर ला रहे हैं और ये उनको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मैं महामिलावट से झूठे सभी दलों को कहना चाहता हूं, दलालों, बिचौलियों और धोखेबाजों को बचाने के आपके प्रयास मोदी कभी सफल नहीं होने देगा।
साथियों, कल मैं लोकसभा में देख रहा था कि जैसे ही मैंने महामिलावट कहा, इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, चेहरे लटक गए, हंसी छिप गई। जब जब देश को इनकी सच्चाई बताओ, ऐसे ही हंगामा करते रहे। भाइयों और बहनों, ये महामिलावट एक ऐसा घालमेल है जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, देश के लिए कोई विजन नहीं है। अब आप खुद देखिए, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता लगातार बोल रहे हैं कि बंगाल में अराजकता है, भ्रष्टाचारियों और गुंडों का राज है, लेकिन दिल्ली में उनके मिस्टर वाड्रा के साले साहब डीजी की धुन में मस्त है।